वेलकम बैक टू माई चैनल। सो आज है इगास और इगास हमारे उत्तराखंड में मनाया जाता है, बिल्कुल दिवाली जैसे मनाते हैं ना, सेम इगास को भी मनाया जाता है। और इसके पीछे का रीज़न बहुत, दो तीन रीज़न है, बट हम मुझे जो पता है वो ये है कि जब राम भगवान आए थे ना, तो ऊपर वाले जो गांव हैं उनको 11 दिन बाद पता चला था, तो उत्तराखंड उनमें से एक था। तो हमें आफ्टर आई थिंक 11 दिन बाद पता चला था, इसलिए हम 11 दिन बाद इगास मनाते हैं। और एक और है कुछ राजकुमार, राजा से रिलेटेड। तो कोई राजा है माधु सिंह भंडारी, वो बेसिकली कहीं गए थे, तो दिवाली के टाइम तक वो नहीं आए थे। सब लोगों को लगा था कि वो मर चुके हैं और उनके सिपाही लोग भी जा चुके हैं, इस वजह से बेसिकली किसी ने दिवाली नहीं मनाई थी। बट 11 दिन बाद वो लौट कर आए थे, तो सब बहुत खुश हुए थे कि सिपाही भी जिंदा है, राजा भी जिंदा है। तो दूसरा ये रीजन माना जाता है इगास का। अब रियल कौन सा है ये तो ऊपर वाला ही जाना है, बट हम सेलिब्रेट करते हैं। सो आज सुबह तो मैं ऑफिस चली गई थी और मम्मी को भी हॉस्पिटल जाना था, तो इस वजह से हम लोग सुबह कुछ भी नहीं कर पाए। तो अब शाम को होगी पूजा और पूरी जो भी इगास का सेलिब्रेशन होता है, तो मैं अभी चेंज करके आपको मिलती हूँ। बाय, जस्ट ऑफिस से आई। इगास की तैयारी, दिस इज आवर प्रीटी प्रीटी छोटू से मंदिर। देखो हमारे कृष्ण जी, नहीं हमने इनको रखा नहीं है, क्या बोलते हैं, लड्डू गोपाल है, बस ऐसे ही कान्हा जी पूजा के लिए। एंड दिया जल रहा है, दिस इज माय पिताजी। हाय पापा, हाउ आर यू? थैंक यू। सुबह इनर पहन के जाते हैं, अभी हाफ कच्चे में उतर गए। क्या फैशन है पापा का भी, क्योंकि गाड़ी में जाना पड़ता है, मोटरसाइकिल में जाना पड़ता है, तो आपको पता ही है। ओह या 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 या, अंडरस्टूड। तो जैकेट पहनिए ना पापा। जैकेट नहीं है मेरे पास, गरीब। तो मैं भी चिंता मत कर। आज के दिन किसकी पूजा करते हैं वैसे? सेम दिवाली वाला ही है ना, लक्ष्मी माता, गणेश जी। इतना मुझे भी नहीं आता, बस हाथ जोड़ लेते हैं, भगवान जो भी होगा, भगवान मेरी मम्मी की तबीयत एकदम ठीक कर दो प्लीज। पापा की ठीक है, ठीक ही रहे हमेशा भगवान प्लीज। मेरे भाई का गुस्सा थोड़ा कम कर दो भगवान प्लीज। मेरा वजन थोड़ा कम कर दो भगवान प्लीज। एक लाइट बंद कर देते हैं क्योंकि बिजली का बिल ज्यादा है। हमारा घर कितना सुंदर लग रहा है। टिंग टिंग टिंग। और मेरे पापा पूजा करते हुए जा रहे हैं, आखिर है तो ब्राह्मण ही। सुनो, अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो तुलसी का पेड़ है हमारे ये, और ये हमारे छोटे मोटे प्लांट। ये क्या है पापा? इमली का पेड़। ये एलोवेरा, ये तो बहुत टाइम से जम। ले लेंगे बाद में। पापा को देखना, पापा पेट अंदर। बेलपत्री का पेड़ है। हाँ ये बेलपत्री है, उगने लग गई। वाओ शिवजी, शंभू शंभू उगने के और लगाए इसे। यार ये मस्त लग रही है। कटोरियाँ देखो गाइस, न्यू न्यू लिया हमने, हम न्यू न्यू भगवान के और ज़्यादा भक्त बन रहे हैं। कॉन्ग्रेचुलेशंस भगवान, आपकी भी शादी होगी। एक वो चांद देख, मैं चांद बहुत ही गंदा जोक था, कोई मुझे मार ना मत। कॉन्ग्रेचुलेशंस भगवान ऑन योर मैरिज। चलो तुलसी माता तो ये करते हैं, सालिग्राम होते हैं। ओके ओके ओके, सॉरी पापा, मुझे माफ कर दो प्लीज। पापा मुझे माफ कर दो पापा। पापा भी मुझे थप्पड़ भी मार सकते हैं गाइस।
हम ही ऐसा करते पिटने वाले। ऐसा कौन भी को जो ऐसे ही पीटेगा। पापा पूजा कर लो ठीक है, मेरी बेइज्जती मत करो। चलो भग, मैं अभी दो मिनट पूजा करती हूँ, फिर वीडियो चालू करती हूँ। मैम मांग तो भरेंगे बट उनका सर किधर। मम्मी कह रही है मैं मांग भरती हूँ, अपनी भी भर ली मम्मी। ये भी तुलसी माता है क्या? इतने बड़े पत्ते, ये कब लिया हमने? अपने आप उग गई थी हैं? ये तो मेरे को पता है बट ये कितनी बड़ी, पापा इतनी बड़ी तुलसी होती हुई है, मुझे तो यही नहीं पता था। पूरी तैयारी किया तो मम्मी ने, पहली बार हम इतनी धूमधाम से घास मनाने देखा जाए तो। पिछले साल मेरी बड़ी चुन्नी थे चढ़ा है। अच्छा ही चुन्नी तभी की है। ये माता को हमने घूंघट पहना दिया। हाँ सही है, बांध मत ऐसी रख, फंसा दो ना बीच। पापा को देखो कितना नाटक करता है। ओम सर्वमंगल मांगले शिवे शिवा साधकी सनेत्रम की गौरी नारायणी नमोस्तुते 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 नमो नमाय देवी सरस्वती सुश्रुतम मंगलम गर्जा मंगलासमारा। खराब है तो मम्मी ज्यादा बना तो सकती नहीं, तो मम्मी ने ये पालक अपने लिए बनाया क्योंकि उनका हीमोग्लोबिन बहुत कम है, तो आजकल मम्मी वही खा रही है। तो मैं अपने लिए, अपने भाई के लिए ले आई पनीर की सब्जी, क्योंकि भाई ऐसे फेस्टिवल वाले दिनों में अगर मेरे को पनीर नहीं मिलता ना, मुझे लगता है कुछ अच्छा नहीं हुआ लाइफ में। तो फिर अभी लाइफ में ओ भाई बच गई। अब मेरी मौसियाँ अगर ये कढ़ाई देखेंगी तो बोलेंगी कढ़ाई काली है। बट गाइस जो पुरानी चीज़ होती है ना उसका टेस्ट का मज़ा ही अलग होता है। और अभी हम बनाएंगे आलू की पकौड़ी, तो ये उसकी प्रेपरेशन की है मम्मी ने। मम्मी पापा तो खाने से रहे, पापा का सीन है गैस का, मम्मी का सीन है भाई बीमारी का, तो मैं और मेरा भाई खाने वाले, मज़ा आएगा गाइस। बहुत टाइम बाद खा रही हूँ मैं, बहुत ज़्यादा टाइम बाद। दिवाली में भी नहीं बनी थी वो, दाल की पकौड़ी बनी थी, वो मुझे इतनी पसंद नहीं है। आई लाइक दिस। मुँह मीठा करो, हैप्पी ईगास। और ये मेरे को थोड़े से देगा है ना, एक कटोरी प्लीज प्लीज। डाइटिंग पे है ना, ये खा सकते हैं, सोया चाप है, चाप से बनता है सोया कप। यहाँ पर चल रही है पकोड़ी की तैयारी और आप देख सकते हैं गरम गरम पकोड़े। और ये मेरा भाई भी कुछ लेकर आया, आई थिंक ये है चाप, क्योंकि मेरे पिताजी का फेवरेट चाप है, मेरा फेवरेट पनीर है, तो दोनों आए हैं। और मेरे भाई और मेरी मम्मी पालक वाली कॉपीराइट इशू। मम्मी पापा देख रहे हैं टीवी, आराम करते हैं, खाने बर्थडे की तैयारी। तो मम्मी ने रोटी वगैरह बनाई, तो मम्मी थोड़ी थक गई है, तो मम्मी आराम कर रही है और मैं प्रिपेयर कर रही हूँ। आई होप आपको आवाज़ आ रही हो। चाप गाइस, मेरे से ना प्रेजेंटेशन वगैरह की उम्मीद मत करना, एक मिनट बंद कर। आज की हमारी थाली, वैसे इतना तो मैं खा नहीं पाऊंगी, बट लिया है चाप, पनीर, पकोड़े, थोड़ा सा सलाद, हरी चटनी और रोटी। तो अभी हम ये इंजॉय कर रहे हैं, पापा का तो खाना ऑलमोस्ट खत्म भी हो गया।
पार्टी वार्टी सब हो गई, रियलिटी। सो वैसे तो हमारे उत्तराखंड में दिवाली और इगास के दिन हम लोग भैला बना के खेला जाता है, जो कि इन्वायरमेंट के लिए भी बिल्कुल भी पोल्यूशन नहीं करता है, वो लकड़ी से बनाते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली दिल्ली में ये सुविधा नहीं है, तो हमने क्रैकर्स नहीं फोड़े, क्योंकि ऑब्वियसली कितना ज़्यादा पोल्यूशन है और हम बिल्कुल भी कॉन्ट्रीब्यूट नहीं करना चाहते थे कि हम पोल्यूशन में थोड़ा सा भी भागीदार बने इस चीज़ के, तो हमने अवॉइड किया। और मैंने दिवाली का व्लॉग नहीं बनाया था, क्योंकि दिवाली का व्लॉग हर कोई बनाता है। इगास मुझे बताना था, उत्तराखंड की संस्कृति है, लाइक करना, शेयर करना।